बंगाल में आखिर कौन जीतेगा, टीएमसी या फिर बीजेपी, मोदी जी या फिर ममता बनर्जी? लेकिन भक्ति जब तक करे ना दिल से, तब तक परमात्मा खुश ना होवे। और जो इंसान भक्ति ना कर पावे, सुख से कभी कल से ना सोवे। ये नारायण की मर्यादा की कृपा है। गद्दी उसी को मिलती है जिसे भाग होता है, और जिसे गद्दी उसे मिलती है। और जनता के मुख से, जनता के सोचने से वो नेता बन जाएगा जो जनता बनाना चाहती है। बेसिकली योगी जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, इन पर आरोप लगते हैं अक्सर कि ये हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना चाहते हैं। तो अगर ये बंगाल में जीते तो फिर क्या ये वहीं वहाँ पर भी यही मुद्दा रहेगा? हमारे उस गोरखपुर आश्रम में जाकर के देखें, सभी के लिए इज्जत हिंदू और मुस्लिमों के लिए मिलती है। ऐसा कुछ नहीं, संतों के लिए तो सब संसार एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बहन भाई। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूँ पूजा विश्वकर्मा। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं और सबकी नज़र इसी बात पर है कि बंगाल में आखिर कौन जीतेगा, टीएमसी या फिर बीजेपी, मोदी जी या फिर ममता बनर्जी। इसी के लिए, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं गुरु जी श्री राम प्रसाद शर्मा। इन्हीं से आज हम बात करेंगे और जानेंगे कि बंगाल में आखिर क्या चल रहा है, कौन जीतने वाला है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका, बताइए कि बंगाल में आखिर कौन जीतेगा, आपकी क्या राय? हाँ, तो मैं बंगाल वासियों को धन्यवाद देता हूँ। भगवान कृष्ण की कृपा से, नारायण के गुरु गोरखनाथ की कृपा से इस चर्चा पर मैं इन बहन के लिए बताना चाहता हूँ कि बंगाल में कौन जीतने वाला है। पहली बात तो संसार में सबसे बड़ी ईमानदारी होती है। हमारे जो भी नेता हैं, बहन जी ममता बनर्जी हैं या योगी जी हैं या मोदी जी हैं, वो सभी हमारे पूज्य हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि ये परमात्मा संसार रूपी है। इस निरंतर निराकार की, ईश्वर की आज तक किसी ने कोई विधि नहीं जान पाया। हम भी बड़े महान भागों से आप तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि उस निरंतर निराकार के लिए कभी नहीं भूलना चाहिए। मनुष्य को श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, परमात्मा से हमेशा लगन लगानी चाहिए। जो इंसान ईश्वर से जुड़ जाता है उसकी हमेशा विजय होती है। यही हमारी जो संसार रूपी परमात्मा है, ना अलोप होगा ना हो सकता। वो ही नारायण की कृपा से जो गद्दी मिलती है हमारे इस बंगाल के चुनाव के अनुसार, जो भी हमारे नेता, जो भी हमारे बहन बेटियां बड़ी कुछ मेहनत करती हैं और देखती हैं कि आज हमारे संसार में जो भी नेता आएंगे वो हमारी सुनेंगे, हमारी विपता का जो भी हल निकलेगा वो निकालेंगे। हमारे नेता, हमारी बहन बेटियां बड़े कुछ आसार से, बड़े कुछ अनुभव से बड़ी लाइन लगा करके वोट डालते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के लिए इन अगर नेता ना हो तो हमारे देश की देखभाल कौन करेगा। इस मुद्दे को लेकर के मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारे जो नेता लोग हैं, वो हमारे नेता इतनी मेहनत में जुड़ जाते हैं और फिर उस परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, उस मालिक को नहीं भूलना चाहिए, उस जनता को नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन तो है ही है, लेकिन ये देखने दिखाने की गद्दी के पीछे हमारे तुम्हारे मेहनत का भी एक फर्ज बनता है। बड़ी मेहनत से और बड़ी कृपा उनकी होती है, जिसकी जीत होगी उस पर भगवान की मर्यादा की कृपा होगी, और उस मर्यादा की कृपा को कभी नहीं भूलना चाहिए। अपनी जनता के लिए भारी जैसे मतों से जब हमारी जनता जिताती है, उसी मती के अनुसार जनता के साथ में, जनता के साथ में इतना अच्छा कर्म, इतना अच्छा भेद जानना चाहिए कि हमारी जनता हमेशा हमारे लिए कोई बुरा ना कहे। गुरुजी, अभी तक हमने देखा है कि आपने जितनी भी भविष्यवाणी की अब तक सच साबित हुई है। हम बस इतना जानना चाहते हैं कि बंगाल में कौन जीतने वाला है, मोदी जी या फिर ममता बनर्जी? देखना कि ना तो हमारे लिए मोदी जी कोई, हमारा कोई फर्क नहीं। हम कहते हैं संतवाणी, संतवाणी उसको बोला जाता है जो सत्य बोला जाता है। हम नहीं तो ये कह सकते हैं कि आज हम उस परमात्मा की कृपा से, उस नारायण की कृपा से, जिसकी वाणी से हम भी और आप सब बोलना चाहते हैं, बिगर उनके कृपा ना हो जब तक हमारी जिब्या को हिलाने वाला संसार में पैदा नहीं है। अब हम आशा करते हैं कि गुरु महाराज की कृपा से हमारे भी
योगी जी हैं, गोरखपुर से हैं, महान हैं, बड़े अच्छे हैं, उनके लिए जनता बड़ी अच्छी तरह से पुकार रही है, क्योंकि उन्होंने आज तक यूपी में बड़े कुछ अच्छे अच्छे काम किए हैं। जो काम आज तक किसी ने नहीं करके दिखाया, वो हमारे योगी जी बड़े महान, बड़े ज्ञानी हैं, जो कि आज तक उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करवा दिए, वो स्वयं प्रभु श्री राम की कृपा से हमारे संसार में जन्म लेकर के एक मुख्यमंत्री के रूप में आए हुए हैं। इसी के अनुसार बंगाल से उन्होंने भी ये कमान को उठाया है कि बंगाल में हम अपनी जनता के लिए बड़े महत्व से, जैसे हमने यूपी की सरकार को साधा, ऐसे ही हम बंगाल के लिए साधना चाहें, और सभी बहन बेटियों को, सभी नागरिकों को, सभी देशवासियों को ऐसा उत्सव दिलाएं कि जो कि हमारी जनता सर्व सुख हो जाए। उस नारायण की कृपा, हम ये नहीं कहना चाहते कि कोई भी हमारे मुख से ये वाणी गलत निकले, नहीं, परमात्मा की कृपा, नारायण की कृपा सब पर है, लेकिन भक्ति जब तक करे ना दिल से तब तक परमात्मा खुश ना होवे, और जो इंसान भक्ति ना कर पावे सुख से कभी कल से ना सोवे। ये नारायण की मर्यादा की कृपा है, गद्दी उसी को मिलती है जिसे भाग होता है, और जिसे गद्दी उसे मिलती है, और जनता के मुख से, जनता के सोचने से वो नेता बन जाएगा जो जनता बनाना चाहती है, और जनता के ही अनुसार आज तक हमारी नेताओं में, हमारी भागवतों कीर्तनों में सभी की जीत होती है, संत महापुरुषों में। जब तक जनता को नहीं रिझाते, जब तक जनता के मन का काम नहीं करते, लेकिन पहले तो कुछ ऐसा लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, नहीं, जो हमारी इस गद्दी पर बैठे हुए हैं वो सभी सही करते हैं, गलत कोई नहीं करता, लेकिन अच्छा तो जब लगता है, जब उसका रिजल्ट आ जाता है, जब तक कोई अच्छा नहीं लगता, जब तक कि जनता के समझ में ना आए। अभी पीछे मैंने क्या देखा था, कुछ लोग कहते थे कि यूपी सरकार, योगी नाथ जी गलत कर रहे हैं, जनता परेशान है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं, जनता के लिए कोई गलत नहीं किया। देखना कि जब जो नारायण कृपालु हैं, जो दयालु हैं, जब उनके मुखारविंद पर बैठे, उन्होंने उन पर कृपा की, तो उन्हीं की दया दृष्टि से उन्हें आज पंत यानी कि मुख्यमंत्री का पद मिला, जनता की सेवा मिली, भलाइयाँ करने के लिए मिला। आज भी वो हमारे बंगाल में भी जा कर के इस चीज़ को, अगर जिसके अंदर सत्य ना हो तो उसके लिए जनता कैसे चाह सकती है। इसीलिए आप बेसिकली योगी जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, इन पर आरोप लगते हैं अक्सर कि ये हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग करना चाहते हैं, तो अगर ये बंगाल में जीते तो फिर क्या ये वहाँ पर भी यही मुद्दा रहेगा कि मुस्लिम और हिंदुओं को अलग करेंगे, इन पर कुछ मुस्लिमों के लिए कुछ गलत? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये लोग खाली अगवा करते हैं। हमारे योगी जी नाथ जी कभी भी किसी जनता के लिए ना कभी किसी भेदभाव के लिए, वो ये नहीं चाहते कि हिंदू हैं या मोमडन हैं। देखना हमारे उस गोरखपुर आश्रम में जा कर के देखें, सभी के लिए इज्जत हिंदू और मुस्लिमों के लिए मिलती है, ऐसा कुछ नहीं। संतों के लिए तो सब संसार एक है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक बहन भाई, संतों के लिए कभी कोई जाति, कभी कोई पक्ष, कभी कोई बिरादरी, कभी किसी से बुराई नहीं करना चाहते। तो ऐसा नहीं है क्या कि योगी जी हिंदू राष्ट्र चाहते हैं भारत को बनाना? ऐसा कुछ नहीं, योगी जी ये चाहते हैं कि हमारे भारत में, हमारे संसार में सभी जनता के लिए सर्व सुख मिले, जो हमारी जनता में कमी है तो वो जनता की कमी जल्दी से जल्दी निकल जाए, और जो हमारे नेताओं में कमी है वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। लेकिन एक मैं दोहराऊंगा, योगी जी कहते हैं कि द्वापर त्रेता सतयुग, जब जब प्रभु ने अवतार लिया तो तरह तरह का, जैसे कि हमारे इस देश में पहले की अंग्रेजी शासन में नेताओं ने, और यानी कि हमारे देशवासियों ने बड़ी कुछ मेहनत करके इस देश को आज़ाद किया, जबकि बहुत से नेताओं ने, बहुत से भाइयों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी जब हमारा देश आज़ाद हुआ। उन लोगों के लिए देखें हम, जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके इस देश को आज़ाद कर दिया, आज हम इस भूमि पर, आज हम इस माता भारत पर खुद बैठ करके अपने बड़े संचालक से बड़ी अच्छी तरह से ज़िंदगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। योगी जी भी वो महान हैं कि ना तो वो हिंदू ना मुस्लिम, ये कुछ नहीं, लोग ये कहते हैं झूठ, नहीं झूठ कुछ नहीं, और झूठ ये है कि वो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे, नहीं तो उन्होंने यूपी में उठाया और नहीं वो बंगाल में उठाएंगे, और नहीं उठाना चाहते, क्यों कि ये संतवाणी है,
संत के लिए चाहिए सत्य, और सत्य के लिए थोड़ी देर के लिए झूठ बोलना तो खुल जाता है, सत्य बोलने के लिए सोचने के लिए टाइम लगता है। ऐसा कुछ नहीं कि योगी जी यानी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाएंगे, नहीं यहाँ उठाया और नहीं आगे उठाएंगे, नहीं बंगाल उठाएंगे। तो बेसिकली आप चाहते हैं कि बंगाल में भी योगी जी जीते यानी कि बीजेपी जीते, मोदी जी आए। आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे बंगाल के लोगों के लिए, चुनाव चल रहे हैं उनके लिए? देखना, मैं सभी देशवासी बंगाल वासियों को मैं अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूं और सबके लिए ये कहता हूं कि जैसे कि जो हमारी जनता के लिए सर्व सुख पहुंचाए, जो हमारी जनता को अच्छा लगे, जो हमारी बहन बेटियों को अच्छा लगे, मैं तो ये नहीं चाहता कि मैं भी संत हूं और मैं किसी के बारे में नहीं तो ये कहना चाहता कि उनके लिए जिताओ, नहीं मैं ये कहना चाहता उनके लिए मत जिताओ, क्योंकि मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आपके लिए अच्छा नेता लगे, जो आपके रिजल्ट में अच्छा आए उसके लिए वोट दें और भारी मतों से उन्हें विजयी बनाएं, अपने देश का नेता बनाएं, जो आपकी बिगड़ी में काम दे और विपता में साथ दे वही आपका देश का नेता होना भी चाहिए। और हमारे इस यूपी के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी गोरखपुर से हैं हमारे, और देखना यूपी में भी उन्होंने ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए हैं जो आज तक किसी ने भी नहीं कर दिखाया। लेकिन कहते हैं योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, नहीं, आज कोई रोड या हाईवे या किसी का भी आदेश करवाते हैं तो क्या उस पर हिंदू ही चलेंगे? सातों जात चलती है, ऐसा कुछ नहीं। अगर वो खाली हिंदुओं के लिए रोड डलवाते तो उस पर फिर तो लिख दिया जाता कि मोमडन इस रोड पर नहीं चल सकते, ऐसा कुछ नहीं। तो ये थे हमारे साथ श्री राम प्रसाद शर्मा जी, इनका कहना है कि बंगाल वाले खुद ही चुने, लेकिन ये बेसिकली योगी के साथ हैं। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और अब देखना होगा कि बंगाल में कौन जीतने वाला है। आप देख रहे थे डेली डायरी न्यूज़।